बच्चा मेरा कौन देगा। सोनू वाघरी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। पहले उन्होंने अपने दो बच्चे खो दिए और फिर उनका घर भी तबाह कर दिया गया। सोनू और उनके पति मनोज वाघरी मुंबई के वडाला पुल के फुटपाथ पर बनी छोटी सी झुग्गी में रहते थे। 17 मार्च को उनके दो बच्चे 5 साल का अंकुश और 4 साल का अर्जुन लापता हो गए। अगले दिन झोपड़पट्टी के करीब बने एक पार्क के पानी के टैंक से दोनों के शव बरामद किए गए। सब ढका उधर ढूंढा, मेरे को नहीं मिला मेरे बच्चे लोग। और बड़ा साहब इधर आया हमारे पास, फिर कैमरे में हम लोग ने देखा तो मेरे बच्चे लोग इधर गए। कितना रात को 5-6 जना गया उधर, पर किसी को मिला नहीं। और सुबह में 6 बजे गया ना, दूसरा दो उसके साथ में गए, मेरे हस्बैंड के साथ में। तो मैं वो बोला वो लकड़ी से ऐसे ऐसे डुबाया ना, तो मेरे ये बड़ा बड़ा लड़का निकला, मेरा अंकुश निकला पहला, फिर उसके साथ साथ में मेरा पापा ली निकला। ये पार्क नगर पालिका का है। इस घटना के बाद इस परिसर की दीवारें ऊंची कर दी गई हैं और टैंक में भी रोशनी कर दी गई है। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि अगर ऐसा पहले कर दिया जाता तो ऐसा हादसा होने से बच सकता था। टंकी है और उसमें खाली तालपत्र डाला है, ढक्कन क्यों नहीं डाला? फिर पीछे से मालूम पड़ा कि वो टंकी तो वो लोग यूज करते नहीं, और यूज करते नहीं तो पानी भर के रखने का कोई मतलब ही नहीं होता है। मुंबई उच्च न्यायालय ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया और BMC को नोटिस जारी किया। ये मामला अभी कोर्ट के सामने लंबित है। इस बीच BMC के कर्मचारियों ने झोपड़पट्टी गिरा दी है। वो लोग आए और हमारी झोपड़ी तोड़ दी, मंदिर भी गिरा दिया, हमारी पूरी बस्ती को बर्बाद कर दिया। जल्दी जल्दी एक नई दीवार बना दी गई और टैंक में रोशनी भी कर दी गई। आसपास की ऊंची इमारतों में रहने वाले बच्चे भी खेलने के लिए यहाँ आते हैं। जहाँ बच्चे खेलते हैं उसके बराबर में ये टैंक है, जो सही नहीं है। अगर अमीरों के बच्चे मरे होते तो वो जरूर कुछ करते। स्थानीय मीडिया के मुताबिक BMC के अधिकारियों का कहना है कि झुग्गी बस्ती गिराने का कारण वो नोटिस नहीं है। मुंबई उच्च न्यायालय ने BMC से पूछा है कि मुंबई में इंसानी जान की कीमत क्या है, क्या बजट की कमी या पैसा ना होने को सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम रहने का कारण माना जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि रेल हादसा या BMC की बस सेवा में हादसा होने पर मुआवजा दिया जाता, लेकिन इस तरह के मामले में मुआवजा देने का विकल्प नहीं है। अब बच्चों के रिश्तेदार मांग कर रहे हैं जो लोग इस घटना के जिम्मेदार हैं उन्हें सजा दी जाए। हम लोग कुछ खास नहीं मांग रहे, हमें बंगला या गाड़ी नहीं चाहिए, आप हमारे बच्चों को नहीं लौटा सकते, लेकिन हमें हमारा अधिकार तो दो, हमें न्याय तो दो, बस एवढं बोलते मी।